नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। दिल्ली के दिल में आप और गुजरात हिमाचल में क्या होगा, कौन करेगा राज, ये तस्वीर कल होगी साफ। और इसके साथ ही यूपी के विधानसभा दो सीटों पर उपचुनाव के नतीजे और एक लोकसभा सीट के नतीजे कल आने हैं। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर होगी और हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हर खबर पर अपडेट देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल दिल्ली के एमसीडी चुनावों में 15 साल के एक छत्र राज को किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया अपने झाड़ू से, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शिवम सोनी। दिल्ली में हुए एमसीडी चुनाव के आज नतीजे जारी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 134 तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास 104 सीटें और कांग्रेस पार्टी के पास 8 सीटें आई हैं, तो वहीं कुछ के खाते में अन्य सीटें भी गई हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो मुद्दा उठाया था कूड़े का, कूड़े के पहाड़ का मुद्दा, उस मुद्दे को उठाने में आम आदमी पार्टी लगातार कामयाब हुई। हालांकि दरबार इत्तेहाड़ के जो वीडियो वायरल हुए थे, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वीडियो वायरल किए जाते थे, वो मुद्दा इस बार एमसीडी चुनाव में नहीं आया। आपको बता दें कि पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज थी दिल्ली एमसीडी के पे, लेकिन अब जनता ने बीजेपी को नकार दिया है और आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार अब बनने जा रही है एमसीडी में। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उनका, दिल्ली की जनता का आभार अरविंद केजरीवाल ने जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि अब हमारे सामने चुनौती है, चुनौती कूड़े के पहाड़ की, चुनौती दिल्ली की साफ सफाई की। तो वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अब अरविंद केजरीवाल की मुश्किलात हैं वो और बढ़ने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब विपक्ष में भी अच्छी संख्या में आम आदमी, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद आ गए हैं और बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार घेरते भी रहेंगे। कैमरामैन निक्की के साथ मैं शिवम सोनी, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत तो जरूर हुई है, लेकिन इस जीत के नतीजे आने के बाद कई ऐसे दिग्गज हैं जिनकी साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। वो कौन से दिग्गज हैं जिनकी साख पर सवाल खड़े हुए हैं, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी पूजा झा। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत करते हुए पहली बार निगम की सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को हराया है। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। नई दिल्ली सीट से सांसद मीनाक्षी लेखी की बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र भगवा पार्टी का चुनाव में उनका प्रदर्शन सबसे खराब रहा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी नई दिल्ली की लोकसभा सीट से सांसद है और यहां 25 वार्ड है जिसमें आम आदमी पार्टी ने 17 सीटों पर आगे रही, जबकि कांग्रेस का इस सीट से सूपड़ा साफ हो गया। गौतम गंभीर की बात की जाए तो संसदीय क्षेत्र में वो अपने आगे रहे। गौतम गंभीर संसदीय क्षेत्र में एमसीडी के 36 वार्ड आते हैं जिसमें बीजेपी 22 सीट पर आगे रही, जबकि 11 सीटों पर आप और कांग्रेस मात्र 3 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं रमेश विधूड़ी की बात की जाए तो दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट से वो लोकसभा सांसद हैं और संसदीय सीट के तहत 37 वार्ड आते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के खाते में 23 सीटें जाती दिखी और बीजेपी 13 वार्ड तो कांग्रेस 1 पर ही सिमट गई। वहीं हंस राज हंस के क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। 27 वार्ड में आम आदमी पार्टी आगे रही जबकि बीजेपी को 14 तो कांग्रेस को 1 वार्ड पर जीत मिली। वहीं मनोज तिवारी के संसदीय क्षेत्र ने भी लाज बचा ली है कहीं ना कहीं बीजेपी की। इस सीट के तहत 41 वार्ड आते हैं जिसमें बीजेपी ने 20 वार्ड में आम आदमी पार्टी को 15 सीट मिली, कांग्रेस भी 1 सीट हासिल कर पाई है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी जीत गई हो, एमसीडी पर आपका कब्जा हो गया हो, लेकिन इस बीच बीजेपी ने भी चुनाव में कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी को दी है। अब अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती है दिल्ली की तर्ज पर एमसीडी का भी विकास करना। जो वादे उन्होंने दिल्ली की जनता से किए हैं वो अब उनको पूरा करके दिखाना है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने शानदार जीत की है, भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारत जोड़ते जोड़ते कांग्रेस ने अपने दिल्ली में कार्यकर्ताओं को नहीं जोड़ पाई और लोगों को नहीं जोड़ पाई, ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। सत्ता पे काबिज पाने वाली कांग्रेस पार्टी का आज सूपड़ा साफ नजर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि चाहे प्रदेश सरकार, दिल्ली प्रदेश सरकार की बात की जाए, चाहे अलग अलग राज्य की बात की जाए, या स्टेट की बात की जाए, या केंद्र की बात की जाए, जहां कांग्रेस का
पूरी तरीके से वर्चस्व रहता था, लेकिन आज जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जो है सत्ता पे काबिल नहीं हो पा रही है। जिस तरीके से एमसीडी चुनावों में जो है करारी हार के बाद जहां 9 सीट कांग्रेस पार्टी लेके आई है, तो वहीं बात की जाए तो अलग अलग राज्य की, तो राज्यों में जो कांग्रेस की जो सीटें जो है कम बढ़ती रहती थी, लेकिन अब की बार जो कांग्रेस का पूरी तरीके से जो है सूपड़ा साफ नजर होता हुआ आ रहा है। वहीं कांग्रेस ने जो है पहले स्टेटों में जा जाकर अपनी जो है अपील की थी, जहाँ कांग्रेस पार्टी एक तरफ जो है पद यात्रा कर रही है, वहीं अलग अलग जाकर अपनी पद यात्रा में जो तमाम कांग्रेसी के नेता जो पहुंच रहे हैं, जहां लोगों से अपील की जा रही है कांग्रेस पार्टी को दोबारा से एक बार सत्ता में काबिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से जोर लगा रही है। लेकिन आज बात की जाए तो एमसीडी चुनावों को, जहां एमसीडी चुनावों में कांग्रेस पार्टी करारी हार मिली है, जहां कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं भी एमसीडी चुनावों में की थी, अलग अलग चाहे राज्य की बात की जाए, चाहे अलग अलग स्टेटों की बात की जाए, चाहे केंद्र में बात की जाए, चाहे दिल्ली की प्रदेश सरकार की बात की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सत्ता पे काबिल रहती थी, लेकिन अब की बार कांग्रेस पार्टी का जहां जहां वजूद जो है खत्म होता हुआ नजर आ रहा, चाहे उनकी बात की जाए एमसीडी चुनाव की, तो एमसीडी चुनाव में अब की बार कांग्रेस ने 9 सीट हासिल की है, और साथ ही उसके साथ में अलग अलग विधानसभा चुनावों की बात की जाए, लोकसभा चुनावों की बात की जाए, तो लोकसभा चुनावों में भी जो है पूरी करारी हार मिली थी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ में तमाम ओला कमान वहां पहुंचते थे, अलग अलग लोगों से अपील की जाती थी कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को दोबारा जो है सत्ता में वापसी की जाए, तो राहुल गांधी वहां पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी प्रियंका गांधी भी जो है पूरी तरीके से ताकत झोंके हुई है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो वापसी की जाए, सत्ता में वापसी की जाए। साथ ही उसके बाद में नए जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, मल्लिकार्जुन खड़गे को दोबारा से पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था, लेकिन अब की बार भी कांग्रेस का उनका भी जो जादू है नहीं चल पाया, चाहे एमसीडी चुनाव हो या अलग अलग राज्य की बात की जाए, चाहे स्टेट की बात की जाए, तो अब की बार भी जो है कांग्रेस पूरी तरीके से सत्ता पे काबिज नहीं हो पाई है। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी चुनाव में जीत का पताका लहराई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता देश भर के अलग अलग कोनों में जश्न का माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे ही प्रयागराज में भी जश्न का माहौल देखने को मिला आम आदमी पार्टी को बीच में। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शुएब रिजवी। एमसीडी चुनाव में आप पार्टी की जबरदस्त जीत से न सिर्फ दिल्ली में खुशी का माहौल है, बल्कि संगम नगरी प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी जश्न का माहौल है। आप पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ इस जीत से खुश है, बल्कि उनको उनकी उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो नगर निगम और नगर पंचायत के चुनाव होंगे, उसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसी वजह से आज जब उनको एमसीडी में दिल्ली में जीत की खबर मिली, तो बाकायदा प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर बड़ी संख्या में आप पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, और वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ जश्न मनाया, बल्कि एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। उनका मानना है कि जिस तरह से एमसीडी में बढ़िया परफॉर्मेंस करते हुए आप पार्टी ने वहाँ ज़बरदस्त जीत हासिल की है, उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निगम के जो चुनाव हैं, उसमें भी बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करेगी, और आप पार्टी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। तो उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से एमसीडी के नतीजे आए हैं, उससे आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उसमें आप पार्टी भी एक बड़ा परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी, और ये उम्मीद की जा रही है कि नगर निगम का जो आने वाला चुनाव है, उसमें आप पार्टी जोरदार तरीके से अपने प्रत्याशी उतार करके उसमें राजनीतिक दलों को बड़ी चुनौती देगी। शोएब रिजवी, इंडिया वाइज। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी हुआ। संबोधन में क्या कुछ खास रहा, ज्यादा जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी बबीता रायाल। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है, तो 17 दिनों तक ये सत्र चलने वाला है, तो 29 दिसंबर इसकी लास्ट डेट होगी जब ये सत्र खत्म हो जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि सत्र के दौरान जो है 16 ऐसे बिल होंगे जिन्हें पेश किया जाएगा, तो वहीं 7 लंबित विधेयकों को भी पारित कराने की सरकार कोशिश करेगी। तो इस दौरान जो सबसे बड़ी बात थी तो वो ये थी कि 298वां ये सत्र है राज्यसभा का, तो वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहली बार सभापति के तौर पर जो है कार्रवाई का संचालन किया। तो इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि उपराष्ट्रपति में किसान और जवान दोनों ही समाहित है। तो सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ट्वीट करते हुए कहा था कि आशा है कि सदन के सुचारू संचालन में सभी दलों का सहयोग भी मिलेगा। संसद सत्र शुरू होने से पहले एक सर्वदलीय बैठक हुई थी। सत्र से पहले कांग्रेस ने कहा कि वो सदन को बाधित नहीं करेगी और स्पीकर द्वारा स्वीकृत मुद्दों पर बहस के लिए भी तैयार है। तो वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संसद में हंगामे और व्यवधान के चलते देश का बहुत नुकसान होता है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शीतकालीन सत्र को ज्यादा से ज्यादा सार्थक बनाने की दिशा में
सामूहिक प्रयास करने का भी आग्रह किया। तो बुधवार से, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरे दिन 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सामने आने वाले हैं। तो ऐसे में शीतकालीन सत्र पर इन दोनों राज्यों के चुनाव परिणाम की छाया भी देखने को मिलेगी। आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एक दिन पहले ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें कांग्रेस और जो टीएमसी है उन्होंने कई मुद्दों को उठाने की कोशिश की थी और कहा था कि ये मुद्दे वो सदन में उठाएंगे और इस पर सरकार से वो चाहते हैं कि चुप्पी ना साध कर जवाब दे। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह के मुद्दे विपक्षियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे हैं, तो उससे यही आसार बताए जा रहे हैं कि जो सदन का ये जो सत्र है काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। हालांकि ये तो आप सत्र के दौरान ही पता चलेगा कितना ज्यादा शांतिपूर्ण ढंग से जो है सदन की कार्रवाई चलने वाली है या फिर हमेशा की तरह ही ये भी सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहने वाला है। कैमरा पर्सन निकी के साथ मैं बबीता रियाल, इंडिया वॉइस। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजों के बाद अब दरअसल सबकी निगाहें हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव के नतीजों पर टिकी हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल विधानसभा चुनावों को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। जहां 8 दिसंबर को गुरुवार को नतीजे जारी किए जाएंगे, तो उसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां यहां पर जारी कर ली है। जहां पर वो इस पे जो है विधानसभा चुनावों के जो नतीजे हैं 8 दिसंबर को जारी किए जाएंगे, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग पूरी तरीके से सख्ती का पालन करते हुए नजर आ रहा है, वही पूरी तैयारियां करते हुए नजर आया। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से एग्जिट पोलों की जो बात की जाती है, एग्जिट पोल में गुजरात विधानसभा चुनावों में जो है बीजेपी जो है पूरी बम्पर जीत से जो है हासिल करते हुए नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस का सोपड़ा साफ नजर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी कहीं ना कहीं गुजरात जो एग्जिट पोल आया तो बीजेपी को जो है हार का भी सामना करना पड़ सकता है। जिस तरीके से भी एग्जिट पोल में जो है हिमाचल के अंदर एग्जिट पोल की जो बात की जाए तो एग्जिट पोल में जो है भारतीय जनता पार्टी की उसमें हार होती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनावों की बात की जाए तो विधानसभा चुनावों में गुजरात में जो है बीजेपी की जो जीत है वो बम्पर जीत हासिल होते हुए नजर आ रही है। वहीं पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं दोनों विधानसभा पर जो है 68 विधान हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में 68 विधानसभा पर जो है चुनाव हुआ था, वहीं 182 सीटों की बात पर जो है गुजरात में विधानसभा पर जो चुनाव है वहां पर किया गया था, लेकिन पूरी तरीके से जो है सख्ती का पालन विधानसभा पे कराया गया था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन उसके बाद में बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से सत्ता में कूदी थी उसको देखते हुए कि हिमाचल में जो है आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी तरीके से ताकत झोंकी हुई थी, तो वहीं का बात की जाए तो गुजरात में भी आम आदमी पार्टी पूरी ताकत झोंकने में नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद में जो एग्जिट पोल के हिसाब की बात की जाए तो एग्जिट पोल से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरात के अंदर बम्पर जीत हासिल करते हुए नजर आ रही है। वह हिमाचल में जो है हार का भी सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन निक्की के साथ में नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। मैनपुरी लोकसभा चुनाव को लेकर के जहां समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी थी, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर नतीजे कल किसके पक्ष में आते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश कुमार। मैनपुरी लोकसभा सीट की मतगणना होनी है कल, जिसको लेकर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो ईवीएम की सुरक्षा में तैनात हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से सीआरपीएफ के जवानों की निगरानी में ईवीएम मशीनों को रखा गया है। कल सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू होगी और जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम भी काफी किए गए हैं। हम सहयोगी से कहेंगे कि गेट को दिखाएं, गेट पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और यही जो मंडी परिसर है यहाँ पर जो सुरक्षा की व्यवस्था की गई है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं है। जो भी जो जो आने जाने के होंगे उनके पास जारी किए गए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता हैं जो जितने भी लोग मंडी परिसर में प्रवेश कर रहे हैं उनको सरकार द्वारा सरकारी जो विभाग है उसके द्वारा पास जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी अवनाश कृष्ण सिंह और पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित द्वारा सुरक्षा के पूरे मंडी कैंपस को सुरक्षा में तब्दील किया गया है। भारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से किस्मत जो थी 6 प्रत्याशी मैदान में थे, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और 6 अन्य दलों के प्रत्याशी इस ईवीएम में कैद हुए हैं, जिनका भाग्य कल तय होगा। 7 बजे से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। मैनपुरी से इंडिया वॉइस के लिए मनीष कुमार। झारखंड कांग्रेस में जैसे ही जिलाध्यक्षों की सूची सामने आई, जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान हुआ, वैसे ही झारखंड में कांग्रेस के नेताओं में बवाल मच गया। क्या है बवाल, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राकेश कुमार।
झारखंड कांग्रेस में इन दिनों कहीं ना कहीं कई तरह की हलचलें चल रही हैं और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद से नया विवाद खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात देखने को मिली है कि अल्पसंख्यक, दलित और महिलाएं, ये तीन कैटेगरी को लेकर के अब विवाद है। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की परिस्थिति थी उसमें साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस में अब कई चीज़ें चल रही है। सबसे बड़ी बात एक और देखने को मिली है कि जिस तरीके से 24 जिलों में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई उसके बाद से तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए कि आखिर किस तरीके से राज्य में कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि अल्पसंख्यकों और महिलाओं और खास करके दलितों की हितैषी माने जाने वाली पार्टी कांग्रेस में एक बार इस बात को लेकर हलचल मच गई कि उनकी पार्टी में अभी इस बार जिस तरीके से जिलाध्यक्षों का चयन किया गया है उसमें ना तो कोई महिला को शामिल किया गया, ना अल्पसंख्यकों को शामिल किया गया और ना ही दलितों को शामिल किया गया। और ऐसे में अब विवाद भी खड़ा हो गया है और साथ साथ कई चीज़ें एक साथ चलने लगी हैं। अब इसको देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने आनंद फानंद में बैठक करके तय किया है कि कुछ जगहों पे कहीं ना कहीं इस कैटेगरी के लोगों को रखा जाए। और आनंद फानंद में देर रात पार्टी के बड़े नेताओं ने बैठ कर तय किया कि 4 जगहों पे बदलाव किया जा सकता है और 4 जिलों में एक बार फिर से अल्पसंख्यक और दलित 2 कैटेगरी के लोगों को शामिल किया गया है। साथ साथ कुछ जिलों में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कहा गया है कि जिलाध्यक्ष कार्यकारी रूप में काम करेंगे। तो ऐसे में एक बार नया विवाद है, खास करके कांग्रेस के लिए एक बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से कांग्रेस के रूप माना जाता है कांग्रेस को कि कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों, दलितों और महिलाओं के हित में बार बार चर्चा करती है और बातचीत करती है, तो ऐसे में ये विवाद कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर कर सकता है। सहयोगी पिंटू के साथ राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। अमरोहा में ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी के विधायक के बेटों पर अपहरण समेत कई संगीन धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद इमरान। अमरोहा में सदर विधायक महबूब अली के परिवार के कई लोगों पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जहां पर लूट, अपहरण और शिकायतकर्ता का अपहरण व जान से मारने की धमकी, घर में घुसने जैसी 12 संगीन धाराओं में मुकदमा नगर कोतवाली में दर्ज हुआ है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुटी है। पूरा मामला अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सराय का है, जहां के रहने वाले पीड़ित शाहनवाज ने बीती 6 नवंबर को डीएमबी के त्रिपाठी को एक शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने सदर विधायक के परिवार के लोगों के 3 अलग अलग जगहों पर वोट बनवाकर उनका राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाते हुए डीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद शिकायत सही पाए जाने पर डीएम ने इसमें कार्रवाई करते हुए 2 जगह की मतदाता सूचियों से नाम कटवा दिया था। वहीं इसकी आपत्ति सदर विधायक के पुत्र पूर्व एमएलसी परवेज अली ने डीएम से की थी, जिसके बाद डीएम ने उस आपत्ति को खारिज कर दिया था। वहीं पीड़ित शाहनवाज का आरोप है कि वह बीते 3 दिसंबर को अपने घर पर था, तभी सदर विधायक के दोनों पुत्र अपने समर्थकों के साथ उसके घर में आए, उसके साथ घर में घुसकर मारपीट की, अवैध हथियारों के बल पर उसका अपहरण किया, उसको अपने दानिश मंदान स्थित मकान में ले गए जहां पर उसे बंधक बनाकर रखा, उसकी जेब से पैसे और कुछ जरूरी कागजात लूट लिए। साथ ही उसका आरोप है कि बड़ी मुश्किल से वह उनके चुंगल से वहां कर फरार हुआ था। वहीं उसका आरोप है कि सदर विधायक के परिवार के लोगों ने उससे कुछ जरूरी कागजात पर अंगूठे लिए, उनके फोटो भी करवाए, जिसके बाद उसने वहां से बचकर भागने के बाद इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक की शिकायत के बाद नगर कोतवाली में सदर विधायक के पुत्र पूर्व एमएलसी परवेज अली, उनके छोटे बेटे शाहनवाज और उनकी एक पुत्रवधू और 2 समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने 12 संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस सारे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है, जल्द ही इसमें विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। कोल परिवहन केस में ईडी का शिकंजा लगातार कसता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उप सचिव सौम्या चौरसिया पर ईडी ने क्या लिया फैसला, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला। कोल मामले में फिर एक बार एक आईएएस अधिकारी समीर बिश्नोई समेत 3 कोल कारोबारियों को जेल रवाना होना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, कोल मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उप सचिव सौम्या चौरसिया भी ईडी की गिरफ्त में हैं, जिसे कल ईडी ने अदालत में पेश किया था और अदालत से ईडी ने सौम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने उनकी आवेदन को अस्वीकार करते हुए सिर्फ 4 दिन की रिमांड सौम्या चौरसिया को ईडी को दी है। इतना ही नहीं, इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने
कहा कि हमारे मुकिल को राजनीतिक देश के तहत फंसाया जा रहा है। बचाव पक्ष के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि हमारे मुकिल के माताजी से ईडी और आईटी समेत सारी कंपनियों ने 9 बार पूछताछ किया है और सारा ब्यौरा उनकी माताजी ने प्रस्तुत कर दिया है कि हमारे पास कितनी ज़मीन है, कहां से है, कितना हमारे पास पैसा है, सारे डिटेल्स हमारे मुकिल द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है। साथ ही साथ बुआ के लड़के से भी ईडी और आईटी द्वारा पूछताछ की गई है, उसके बावजूद हमारे मुकिल को राजनीतिक देश के तहत फंसाया जा रहा है। लेकिन अदालत में बचाव पक्ष के वकील की दलील काम नहीं आई, जिसे देखते हुए अदालत ने एक बार फिर ईडी को सोम्या चौरसिया से पूछताछ के लिए 4 दिन की रिमांड दे दी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, इस मामले में 4 आरोपी पहले से ही ईडी की गिरफ्त में हैं, जो पहले से ही जेल में थे, उनकी भी पेशी कल साथ में ही थी, जिसको अदालत ने एक बार फिर पुनः उनको जेल वापसी कर दिया। मनोज शुक्ला, इंडिया वॉइस न्यूज, रायपुर। खबर जौनपुर से है, जहां पर एक टीचर के द्वारा एक छात्र से कूड़े उठाए जाने का मामला सामने आया है। लेकिन इस मामले में कितना दम है, इस खबर में कितना सच्चाई और क्या फसाना है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक कुमार। जौनपुर में सरकारी विद्यालय के गेट के बाहर छात्रों का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में छात्र कूड़ा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। विद्यालय के गेट के बाहर खड़े अध्यापक द्वारा छात्रों से कूड़ा उठवाया जा रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर जिम्मेदार अधिकारियों ने मामले का जांच का आदेश दे दिया है। यह वायरल वीडियो जौनपुर के सिरकोनी विकासखंड पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेहरू नगर का बताया जा रहा है। तस्वीर देखने के बाद एक बात तो साफ जाहिर होता है, आखिर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। जौनपुर से विवेक कुमार, इंडिया वॉइस। फिरोजाबाद में हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या है ताजा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जमकर की गई हर्ष फायरिंग। जी हां, आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद मैनपुर रोड स्थित एक गेस्ट हाउस की घटना, जहां वीडियो सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कई एक राउंड फायरिंग की गई। आपको बता दें, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद का मामला है, जहां मैनपुर रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान जमकर हर्ष फायरिंग की गई। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद भी लोगों में कानून का भय शायद देखने को नहीं मिला है। अब ऐसे पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। पुलिस ने कई लोगों को नामजद भी किया है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखने वाली बात की जाए, कब होगी ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई। इंडिया वॉश के लिए फिरोजाबाद से अतुल कुमार। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।